एक बड़ी खबर आ रही है बदलापुर से, जहां पर सब्जी व्यवसायी को गोली मार करके लोग फरार हो गए। सब्जी व्यवसायी की मृत्यु हो जाने के कारण लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुजीत कुमार निषाद और चंदन निगम की ये संयुक्त रिपोर्ट। मृतक के क्या लगते हैं आप? वो मेरा भाई लगता है। अच्छा, क्या कैसे घटना हुई है? घटना वो खाना खा के आ रहा था। कहाँ से? वो अपना बाजार ज्ञानी ढाबा से, और ये अपना कलजरा क्रॉसिंग के पास कुछ स्कॉर्पियो से लोग आए, तो ऐसे गोली मारे। क्रॉसिंग के पास घटना हुई है शायद? क्रॉसिंग के पास थोड़ा सा पहले उससे। पहले किसी से बात विवाद थी? कोई बात विवाद नहीं, उसके पूरे खानदान में किसी। क्या करता है लड़का? भाजी का धंधा करते हैं चौराहे पर, 3000 चौराहे। कितने सालों से उसका धंधा? वो हाँ कम से कम 10 साल से। 10 साल से आज तक कोई? मैंने उसके पिताजी धंधा करते थे, उसमें हाथ बटा था। कभी किसी से कुछ? कुछ नहीं, वो लड़का ऐसा था ही नहीं। कल महाराजगंज थाने के अंतर्गत काम करता है, अपने कुछ साथियों के साथ मना करने का आदेश दिया। वहाँ पर छापे के अन्य लोग मौजूद, कुछ बहस हुई, और उस बहस होने के बाद जो है उन्होंने बच्चे को, करीब 24 साल का युवक है, उसको गोली मारी। उसके बाद रात में ही पुलिस मौके पर आई, उसको बनारस भेजा गया। क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई। परिजनों से उनके पिता से तहरीर प्राप्त हो गई है। जो तहरीर दी गई है उसमें नामजद लोग हैं, उनको हम उनकी तत्काल गिरफ्तारी करेंगे। टीम भी गठित हो गई है, और क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है, सब्जी बेचता है, तो हमारे साथ तहसीलदार साहब भी हैं। जो भी आर्थिक सहायता हमसे बनेगी, उस परिवार की पूरी मदद की। यहाँ पे ग्रामीण देखिए, उनके बीच का काम करता था, जो सहानुभूति में इकट्ठा हुए थे, और उसको समझा बुझा दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई जो है पुलिस अपनी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी तत्काल होगी, इसमें अभियुक्त नामजद है, तत्काल अभियुक्त गिरफ्तारी होगी। वो सारी चीज़ें तो नहीं, वो रात को 1:30 बजे तो आप लोगों ने कोई नहीं करा।